नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। सर, इस वीडियो पर हम आपको कबूतर पालन समझाने जा रहे हैं। और भाई साहब के पास बकरियां भी है, कबूतर भी है, करमत्ता भाजी भी है, बाड़ी भी है, बहुत कुछ है, और ये कुत्ता भी है। और उसके एक वीडियो हमने किया हुआ है अलग से। अभी हम उनके यहाँ आए तो ये बहुत प्यारा कबूतर हमको देखने को मिल रहा है। इस तरीके के बहुत सारे कबूतर हैं और मुझे भी कबूतर पकड़ने का सौभाग्य जो है पहली बार मिला है। और ये वीडियो हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजिम से। और राजिम जो है फिंगेसर तहसील जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में आता है। और भाई साहब का नाम पूछते हैं, क्या नाम है जी? बबलू सोनकर। बबलू सोनकर जी हैं। और हमने इनके गोट फार्म का नाम रखा है सोनकर गोट फार्म एंड पोल्ट्री फार्म, ये इनका नाम हमने रखा है। तो चलिए भाई साहब से डिटेल बात करते हैं कबूतर पालन के विषय पे। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये जो मैं पकड़ा हूँ इसको पहले समझा दो भाई, इसको कौन सा ब्रीड बोलते हैं? ये नॉर्मल देसी है। तो नॉर्मल देसी भी बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है यार, ये आग भी का सुंदर है एकदम। देख तो यार धनंजय, जरा दिखा यार एक आग किला। हाँ, ये देख क्या देख रही है। और वो कौन सी ब्रीड है? ये भी देसी है, ये दोनों यानी कि एक ही माँ के बच्चा है। मन ये एकर बच्चा, ये हरे एकर बच्चा। एक आधा दिन के हुई? ये लगभग 4 साल हो गए हुई बोला। 4 साल उम्र हो गया इसका? हाँ। अच्छा, 4 साल उम्र हो गया है, गजब है यार। साइज बहुत छोटे, लेकिन जो एक बच्चा थे वो बड़े बड़े हल्का है। नर जो एक लगे ना जोड़ा वो बड़े है। हाँ। ये मन जैसे एक मेल 10 फीमेल वाला नहीं, जैसे एक मेल है ना तो एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, जैसे इंसान रहते ना वैसे रहते हैं मन। हाँ, हाँ। अगर जैसे फीमेल पकड़े, जैसे कि एक ब्रीडिंग के टाइम रहते ना। हाँ। तो जब पकड़े तो नर आके बैठ जाते हमारे यहाँ के। भाई अब सब यहाँ के तो नहीं बोल सको, आग बढ़ जाते, मतलब आग बढ़ जाते पकड़े ना तो ये पास आग बढ़ जाए हाथ में। अच्छा, मतलब ये लोग जो है जोड़ा नहीं बदलते हैं? नहीं बदलते। जैसे मर जाएगी ना ये, या तो हटा देंगे या बेच देंगे या कोई पकड़ लेगा। हमारे तरफ शिकारी लोग ज्यादा हैं, अभी इधर धान खत्म ना, यहाँ पास एक और पाले वो पकड़ लेते हैं हमारे यहाँ का कबूतर। और उनके यहाँ का भी आया है 2-3 ठो छोटा। अच्छा, एल्धर भाई ए दे। हाँ। छोड़ दे ठीक है। हाँ, उड़ेगा ये देखो, गजब उड़ा इसको। ठीक है, ये देखो वहां बैठ गया। हाँ, तो ये लोग जोड़ा नहीं बदलते? नहीं, मतलब इतना और है ऊपर और है, इतना मोहब्बत से रहते हैं कि किसी भी परिस्थिति पे अपने। अगर जैसे कि बच्चा दिए हैं और बच्चा 10-15 दिन का है और मादी या नर खत्म हो गया तो अकेला पालेगा एक। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको अपने देख रेख में रखेगा। हाँ। ठीक है, यानी कि अलग नहीं करेगा, अपने ही साथ रखेगा, अलग से मद्दी बनाएगा फिर अपने लिए जोड़ा। हाँ। लेकिन वो बच्चे को नहीं छोड़ेगा। जैसे बच्चा 1.5 से 2 महीने का हुआ। हाँ। उसके बाद फिर वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चा आज जैसे निकला कोई बच्चा। हाँ। 2 महीना बाद समझो खुद ब्रीडर बन जाएगा एक। हमारे पास अभी उसमें है कोई दिखा दे रहा ऊपर है। हाँ। अच्छा, अभी उड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी की है और देसी कौन कौन सा जरा इधर से दिखा दो धनंजय। हाँ, ये जो घुटरत ना नर। हाँ। वो देसी है जो बीच में, ये नकाब पोस्टक के क्रॉस है। अच्छा। ये मन नकाब पोस्टक क्रॉस है। हाँ। ये सिराज क्रॉस है, ये भी सिराज के क्रॉस है, समझ ले प्योर सिराजे में, लेकिन कलर है थोड़ा अलग। अच्छा, सिराज का पैर में ऐसे फैला हुआ। हाँ, हाँ। बना रहता है। बाकी का उतर के उड़े पंख उतना बड़े हैं, पैर के बाल उतना बड़े हैं अभी। हाँ, हाँ। ये मुखी जो बोलते ना मुखी का उतर, ऐसे तो जिसके ऊपर पे ऐसे कलगी है। हाँ हाँ, इसका भी है, उसका भी है, इसका भी है। हाँ। इस वाले ये अभी 2 महीने हुआ है लगभग, ये उतरा ना जो। हाँ। ये वाला अभी गजरा छटिक चालू हो यानी की तैयार हो गए नर बने वहाँ। अच्छा, अभी में क्या साइज के पता, साइज एक के अंदाजा नहीं लगा सके, क्या जो 4 साल के वो भी अच्छी है, जो एक 12-14 साल के जो है ना वो हैदराबादी कबूतर जो उड़ान वाला में से जो रायपुर गए रहे हो ना पिछले साल यही दिन में। हाँ। तो वो घुड़ रहा देखा, अभी ये देख साइज छोटे है लेकिन वो बाजी जीत चुके हैं रायपुर में। रायपुर में बाजी जीत चुके। हाँ। और सेकेंड नंबर आई सोकर। हाँ। क्या बोलते बोला पंकज सोनकर करके रखे, ईश्वर पंकज सोनकर। हाँ। यानी कि पार्टनर है दोनों। हाँ। जो मोर पार्टनर है ना। हाँ। जो मोर एकदम। हाँ। प्रिय मित्र है मोहन सोनकर करके। हाँ। ओकर मामा हरे हो तो वहां से वहां इस पकड़े भी सोमन भी ओकर घर के नो है। हाँ। एला पकड़े ना तो वहां नहीं रखना कोई ले जाए करके वेला हमारे पास दी था। वैसे ओकर रोड तो 25-30 हज़ार बिक जाते वो टाइम, क्या ओकर पूछ में सील लग गए ना। हाँ। और अभी तो खाली झड़ गए, हर सीजन में बाल बदलते रहते हैं मन। अच्छा, वजह से झड़ गए। वैसे तो फिर
जबरदस्त दिखा देता हूँ पूरा। अच्छा, छत्तीसगढ़ चैंपियनशिप वाला वहाँ सिल लगे से ट्रॉफी वगैरह जीतीस, जैसे जीतीस ना दूसरे दिन खोलीस ना तो ये छत छोड़ के दूसरा छत में जाके बैठ गया। अच्छा, अरे मैंने इसे जैसे कि उड़ाने करना लगभग एक उड़ान लगभग 11 घंटा 20 मिनट कुछ के रही से कंटिन्यू उड़ान। अच्छा, और अभी भी जैसे उड़ते ना तो वो नहीं थके, बाकी थक जाए वो नहीं थके। अच्छा, अब थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया, 12-14 साल नत्का पान जिंदा बहुत अच्छा हो। अच्छा ठीक है, अब इनका ब्रीडिंग कैसे होता है ये जरा मुझे समझाओ तो। जैसे कि आज अंडा दिया, सबके मेरे यहाँ का कोई कोई कबूतर ऐसा जो 21 दिन में निकालता है अंडा से बच्चा, और कोई कोई जो जंगली में से है ना आकर रुके वाले में से वो 12-14 दिन में निकाल देते हैं बच्चा मुर्गी जैसे। आज बच्चा निकाला, 15 दिन बाद फिर वो ब्रीडिंग में यानी कि क्रॉस में क्रॉस करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसा फिर वो बच्चा बड़ा हुआ रहेगा, जैसा उड़ने वाला रहेगा उसमें अंडा दिया रहेगा उसमें से फिर बच्चा, यानी कि खाली रहते ही नहीं कबूतर। अच्छा, वो बच्चा ऊपर बच्चा ऊपर बच्चा देते जाएंगे देते जाएंगे कंटिन्यू देते जाएंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, यानी कि खाली जैसे इस खंड में कोई दिया तो जैसे इसमें से बच्चा उड़ेगा और उसमें से अंडा से फिर बच्चा निकलेगा। तो जैसे उसमें से कोई दिखा पाएंगे क्या हमें बच्चा, दिखा दो जा तो। अब ये हाथ एक बच्चा कहाँ है ठीक। अच्छा, अब अंडा से बच्चा निकले, ये बच्चा उड़े नहीं सीख रहे, कितने दिन का है ये? अराउंड 20 दिन 20 दिन का है। हाँ, और अच्छा, ये फिर दे दी है अंडा। अच्छा, वो उसका बच्चा उड़ने नहीं सीखा और फिर दे दी है अंडा। हाँ, ये घुलागे लगभग घुलागे ये सही है। अच्छा, हाँ घुलागे तब वो बैठे है, किसे घुला गया क्या बता, कोई उतलाइन कर दी सही, कोई कबूतर ठोनक दी सही। अच्छा, तो एमा बच्चा इसे निकले और उड़े सीखी। अच्छा, उससे बच्चा निकलेगा और वो उड़ना शुरू कर देगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, इतना ग्रोथ है इसका, फास्ट ग्रोथ कबूतर का, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे यहाँ समझो महीने में 7-8 हजार का जैसे बेच लेता हूँ कबूतर। हाँ, 7-8 हजार का कबूतर बेच लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये कितने, ये भी बच्चा है अभी, एक ही जोड़ का है दोनों, एक ही माँ का बच्चा है दोनों, एक ही माँ का बच्चा है। हाँ, उसी का बच्चा है। हाँ, ये लोग जुड़वा जुड़वा ही निकलते हैं, एक नर एक मादा, ये लगभग नर है ये मादा है। अच्छा, एक ही साथ निकलते हैं? हाँ, दो दो बच्चा, दो दो बच्चा करके निकाल लेते हैं लोग। अच्छा ठीक है, और है छोटा बच्चा, अरे एकदम छोटा वाला भी दिखा ना बेटा। हाँ, के आज उड़े सीखे हुई लगभग। अच्छा, ये ठीक मीडियम साइज। ये कितने कितने का है? ये लगभग 25 दिन हो गए, लगभग अब 2-4 दिन में उड़े सीखे, छोटे चोंच वाला है एकदम। कौन सा ब्रीड है ये? ये नकाब नहीं कुछ बोलते है, ज्यादा बोला नहीं है नाम है, कोई बात नहीं। हाँ, गेहूं चोच के आते हैं मना, गेहूं चोच। अच्छा, अब एकदम छोटे बच्चे में निकला। हाँ, आप मन लगभग नहीं देखे हो ये साइज में। अरे हाँ हाँ, गजब गजब। ठीक है, अभी ये कितने दिन का है? ये कल ही निकला होगा, एक दिन का है समझो। हाँ, अभी ये उड़ने लायक कितने दिन में हो जाएगा ये? जैसे कि अब 27 दिन में आ जाएगा। 27 दिन? हाँ। अच्छा ठीक है, क्या पालतू है तो थोड़ा लेट से अंदर ही दाना देता हूँ ना, तो हैवी हो जाता है तो उड़ नहीं पाते ज्यादा जल्दी। अच्छा, और जैसे जंगली होता तो 25 दिन में पूरा उड़ने लग जाते हैं। ठीक, वो लोग भी उतर गए जो चोटी वाले थे उधर। हाँ ठीक है, ये भाई साहब ने रख दिया है। ठीक, अभी समझ लिया 18 हो। अच्छा, बच्चा 18 है, 18 अगर कोई नहीं बेचो एक सीजन तो ये समझ ले कि 20 ठंड में रोक दो ना, एक साल ही बेचो तो 150 हो जियो। अच्छा, तो 8000 का हर साल इसको बेच लेते, हर महीने बेच लेते हैं? 8000 का हर महीने बेच लेते हैं, तो हर महीने कितना खर्चा करते हैं? 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। हाँ, क्या है इधर अब धान लुवागे ना तो वहाँ पूरा चर के आ जाए, और सामने मंडी है तो जैसे गाड़ी जाती है। हाँ, सामने मंडी है बहुत बड़ा। हाँ, धान मंडी है, गोडाउन है। हाँ, तो वहाँ जितना जैसे कि गाड़ी की तो गाड़ी वाला सब पहचान गया, तो बाहर के थोड़ा थोड़ा ला के फेंक देते हमारे यहाँ मम्मी जो है ना। अब ज्यादा देर तो थोड़ा पानी पड़ी तो सड़ गए। हाँ, और बाकी दाने मत खा लेते। ठीक, एक वीडियो करके देखने मस्त। हाँ, बाल वाला ये देख। चलो तो दोस्तों, इस तरीके से हम आपको कबूतर पालन भाई साहब का समझा रहे थे और बता रहे भाई साहब कि 0 खर्च पे 7-8 हजार रुपया पर मंथ कबूतर उनको दे देती है। इसके अलावा बकरी भी पालते हैं, समझ लो यानी कि 30 कबूतर अगर कोई अडल्ट है, 15 जोड़ा में इतना कमाई है, अगर कोई 100-150 जोड़ा रखेगा तो नौकरी करने का काम नहीं है। अच्छा, ये नौकर खोजना पड़ जाएगा, नौकर खोजना पड़ जाएगा। तो ये भाई साहब बता रहे थे, और भाई साहब के पास कबूतर है, बकरी है, कुत्ता है, और सारी चीजें, मुर्गी भी है,
सारी चीजें बहुत शानदार है, साथ में इधर बाड़ी भी है। तो धन्यवाद मैं ओम प्रकाश सर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और भाई का फंडा दूसरों को बताने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।